हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में करूंगा अनबॉक्स रेडमी नोट 7 प्रो की। तो बताऊंगा कैसा ये फोन, कैसा है इसका लुक, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी प्राइस और दिखाऊंगा इसका बॉक्स कंटेंट। तो आज की वीडियो पूरे एंड तक देखना, मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांत भट्ट और आप देख रहे हैं टेक्निकल शांत। बिना आपका किंतु समय गवाए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, Redmi Note 7 Pro का बॉक्स देखने में काफी कलरफुल लगेगा। फ्रंट साइड की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है Redmi Note 7 Pro और नीचे लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। और टॉप साइड की बात करूं तो यहाँ पे इंडिया नंबर वन ब्रांड का स्टिकर लगा हुआ है और साइड में MI का लोगो। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। सो फ्रेंड्स, बैक साइड में इसमें ड्यूअल कैमरा दिया गया है जो 48+5 मेगापिक्सल का है। AL ड्यूअल रियर कैमरा है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर है। 6.3 फुल HD नॉच डिस्प्ले है और 4000 mAh की इसकी बैटरी है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने 64GB वेरिएंट में परचेस किया था स्पेस ब्लैक में और ये मुझे आया है 13,999, बट इसकी बॉक्स MRP है 15,999। सो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो फ्रेंड्स, बॉक्स को खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक एनवेलप देखने मिलेगा। इस एनवेलप में आपको सिम इजेक्टर टूल देखने मिलेगा। तो मैं निकाल देता हूँ सिम इजेक्टर टूल को क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा सिम ट्रे खोल के। तो फिलहाल इसको रखता हूँ साइड में। और अंदर की तरफ आपको TPU केस देखने मिलेगा, उसके साथ वारंटी कार्ड और कुछ पेपर वर्क देखने मिल जाएगा। तो फिलहाल इस सबको रखता हूँ साइड में। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा अपना स्मार्टफोन जो कि स्पेस ब्लैक में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको रखता हूँ साइड में और दिखाता हूँ आपको बॉक्स कंटेंट। तो बॉक्स के अंदर आपको चार्जिंग एडेप्टर देखने मिलेगा जो कि 5W 2A का है और इसमें USB Type-C केबल भी देखने मिलेगी। तो फिलहाल इस सब सामान को रखता हूँ साइड में और करता हूँ स्मार्टफोन को बूट। सो फ्रेंड्स, जब तक ये बूट होता है तब तक मैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू भी देता हूँ। तो साइड में, राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर बटन देखने मिलेगा और पावर ऑन ऑफ बटन देखने मिलेगा। टॉप साइड में आप 3.5 mm ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, डाउन साइड में आपको स्पीकर ग्रिल्स, प्राइमरी माइक और बीच में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने मिलेगा। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे आप सिम ट्रे देख सकते हो। तो मैं आपको सिम ट्रे खोल के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हाइब्रिड सिम ट्रे है तो यहाँ पे आप दो सिम कार्ड लगा सकते हो या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड ही लगा सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। सो फ्रेंड्स, बैक साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यूअल कैमरा है विथ LED फ्लैश के साथ। एक है 48+5 मेगापिक्सल का और यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट सेंसर भी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी फ्रंट साइड की। तो फ्रंट साइड में इसको फुल HD+IPS डिस्प्ले दिया गया है ऊपर ड्रॉप नॉच के साथ। एंड इसका फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है फ्रेंड्स और इसमें कलर एंड शार्पनेस काफी अच्छी दी गई है। एंड आप बेजल्स देख सकते हो, काफी मोटी लग रही है। एंड नीचे की तरफ आपको एक छोटी सी LED नोटिफिकेशन लाइट मिल जाएगी। तो चलिए अब सेटिंग्स की तरफ जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन दिखाऊंगा जो कि 9 Pie है। एंड फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट वर्जन है जो कि MIUI 10 पे वर्क करता है। इसकी रैम 4GB है एंड इसकी इंटरनल स्टोरेज 64GB है। तो अवेलेबल सिर्फ 51.63 MB ही अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं कैमरे की। तो जिसमें है सोनी IMX586 का सेंसर लगा हुआ है और फ्रेंड्स, ये नॉर्मली 12 मेगापिक्सल पे वर्क करता है। एंड अगर आपको यूज़ करना है 48 मेगापिक्सल का तो आपको जाना होगा प्रो वर्जन में। तो प्रो वर्जन में जाने के बाद यहाँ से आप 48 मेगापिक्सल यूज़ कर सकते हो एंड इसमें आप HDR इफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। एंड ये नॉर्मली खाली 12 मेगापिक्सल पे वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक फ़ोटो खींच के बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने पिक अभी क्लिक की है तो मैं और आपको फोटोज दिखाता हूँ, वो आप देख लो।
सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।